हेलो बच्चों, तो वी हैव कंप्लीटेड अवर चैप्टर पॉलिनोमियल। तो बच्चों, अब कुछ हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा सम्स, एमसीक्यू, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, जो आपका बेस को और इम्प्रूव करेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे ये एक्स नीचे है, दिस इज एक्स पावर वन। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सो द एक्सप्रेशन इज एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस थ्री। एक्स यहां पे बच्चों एक्स का पावर वन है, तो जैसे ही एक्स ऊपर जाएगा बच्चों, आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स पावर माइनस वन प्लस थ्री, यानी ये थ्री भी सेम है और ये एक्स भी सेम है, बस ये डिनोमिनेटर वाला एक्स मैंने न्यूमरेटर में लेके गया, तो ये हो गया माइनस वन। और ये जो पावर है बच्चों, इट इज नॉट ए होल नंबर। ओके बच्चों, तो ये होल नंबर नहीं है, करेक्ट। तो आप बोलेंगे कि दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलीनोमियल। इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आ गई आपको? अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन है थ्री रूट एक्स प्लस टू डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस फाइव बच्चों। ठीक है ना, सबसे पहला बच्चों, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स पावर हाफ प्लस, मैं लिखूंगा टू डिवाइड बाय एक्स पावर हाफ प्लस फाइव। इज इट क्लियर बच्चों? नाउ दिस इज एक्स पावर हाफ प्लस टू, अगर आप इसको ऊपर करोगे तो ये आ जाएगा एक्स पावर माइनस हाफ प्लस फाइव। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए, ये जो एक्सपोनेंट है हाफ, दिस इज नॉट ए होल नंबर, एंड दिस एक्सपोनेंट अगेन इज नॉट ए होल नंबर, एट द सेम टाइम नेगेटिव साइन ऑल्सो इज देयर, सो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, आ रहे समझ में ना आपको, रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स प्लस सिक्स। अब देखिए बच्चों, यहां पे एक्स का जो एक्सपोनेंट है वो है टू, इट इज अ होल नंबर। यहां पे एक्सपोनेंट, एक्स का जो एक्सपोनेंट है वन, इट इज अ होल नंबर। और यहां पे बच्चों इट्स ओनली कॉन्स्टेंट, सो दिस टू आर होल नंबर, सो आई कैन से दैट दिस इज ए पॉलीनोमियल। आपको ये कॉन्स्टेंट को नहीं देखना है बच्चों, इज इट क्लियर? सो यू आर नॉट हियर टू सी दी कॉन्स्टेंट, बस आपको देखना है एक्सपोनेंट को। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्स पावर टेन प्लस वाई पावर फाइव प्लस एट। तो बच्चों ये तो है पॉलिनोमियल, बिकॉज हियर द एक्सपोनेंट इज टेन होल नंबर, हियर द एक्सपोनेंट ऑफ वाई इज फाइव विच इज होल नंबर, बट वी हैव टू वेरिएबल, सो दिस इज पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इज इट क्लियर बच्चों? बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट रूट एक्स माइनस वन। तो बच्चों आप रूट एक्स को कैसे लिखोगे? एक्स पावर हाफ माइनस वन। अब ये हाफ नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। एक्स माइनस वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वन। ठीक है बच्चों, अब यहां पे क्या करोगे आप? देखिए एक्स आ गया डिनोमिनेटर में, तो एक्स आ गया डिनोमिनेटर में, तो इसको आप पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखिए, टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। ठीक है बच्चों, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये नीचे का जो एक्स स्क्वायर ऊपर जाके बच्चों बन जाएगा एक्स पावर माइनस टू प्लस फाइव। देखिए ये है टू बच्चों, दिस इज अ पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर, दिस इज माइनस टू, इट इज नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो यानी जो भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में है बच्चों, वो सारे वेरिएबल को आपको न्यूमरेटर में लेके जाना है, और जब आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो आपको साइन को चेंज करना है। ठीक है भाई, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स पावर
थ्री बाई टू नीचे आ गया बच्चों रूट एक्स प्लस सिक्स। अब ध्यान से देखिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स पावर थ्री बाई टू, नीचे बच्चों आ जाएगा एक्स पावर हाफ प्लस सिक्स। अब देखिए ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, बोथ द बेसिस आर सेम, तो आपको एक्सपोनेंट को करना है माइनस, दिस इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बच्चों, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एक्स पावर मैं करूंगा थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू प्लस सिक्स, तो ये आ जाएगा बच्चों एक्स, यानी जब भी बेस सेम हो, यहां देखिए ये एक्स है बेस, यहां भी एक्स है बेस, सो व्हेनेवर बेसेस आर सेम यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द एक्सपोनेंट, सब मैंने एक्सपोनेंट को माइनस कर दिया। एक रूल है बच्चों, देखिए एक्स पावर एम डिवाइड बाई एक्स पावर एन को आप लिख सकते हो एक्स पावर एम माइनस एन, एक्स पावर एम माइनस एन, इज इट क्लियर बच्चों, अगर इंटू है तो आपको प्लस करना है, जैसे एक्स पावर एम इंटू एक्स पावर एन, दोनों का बेस देखिए सेम है, ओके ये एक्स एक्स है, तो आप लिख सकते हो एक्स पावर एम प्लस एन, तो ये आ गया एम प्लस एन, ये आ गया एम माइनस एन, तो बच्चों ये आ जाएगा टू एक्स पावर, आपका डिनोमिनेटर में टू है बच्चों, ऊपर आ जाएगा थ्री माइनस वन प्लस सिक्स, नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स पावर थ्री माइनस वन इज टू बाई टू प्लस सिक्स, टू टू कैंसिल, तो बच्चों ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स, क्लियर है ना बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है, तो ये आपका है चेक करने के लिए है कि गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस टू, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग इसी तरह करना जैसे ये क्वेश्चन में कर रहा हूं, पीछे थोड़ा रफ जैसा हो गया, तो पहले क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, इसका नीचे में ऐसे सॉल्यूशन लिखिएगा, फिर एक्स, अब देखिए x का पावर 1 है, ये डिनोमिनेटर में है, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं, सो दिस बिकम्स x पावर माइनस वन प्लस टू, एकदम क्लियर है बच्चों। अब देखिए माइनस वन इज क्या बोलेंगे बच्चों, नॉट ए होल नंबर, इज नॉट ए होल नंबर, देयर फोर इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल, बस बच्चे यही स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है वन बाई एक्स प्लस फाइव, इसको क्या करेंगे बच्चों, तो एक्स का पावर वन है, अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस फाइव, ओके तो ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों रूट एक्स प्लस थ्री, तो बच्चों ये जो रूट एक्स है आप इसको लिख सकते हो एक्स पावर हाफ, रूट मीन्स हाफ प्लस थ्री, नाउ यू सी द एक्सपोनेंट इज हाफ, इट इज नॉट ए होल नंबर राइट, सो इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल, इट वॉज नॉट ए पॉलीनोमियल। माइनस फोर बच्चों देखिए, माइनस फोर इज एक्चुअली कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, ओके माइनस फोर को क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल, तो आप माइनस फोर को आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस फोर के बगल में एक्स टू द पावर जीरो, बिकॉज एक्स टू द पावर जीरो इज वन, ओके सो यू गॉट दिस एज ए कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। तो बच्चों ऐसे करके आप क्वेश्चन नंबर फोर तक कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी कर सकते हो, यू सी हियर एक्स का पावर माइनस टू है, नॉट ए होल नंबर, यहां पे एक्स का पावर माइनस वन है, नॉट ए होल नंबर, यहां पे थ्री है तो इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल, यहां पे देखिए एक्स का पावर है माइनस वन, इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल, यहां देखिए एक्स का पावर है माइनस वन, इट इज नॉट ए पॉलीनोमियल। तो बच्चों पावर में आपका होना चाहिए होल नंबर, बार बार बोल रहा हूं, क्या होना चाहिए होल नंबर, यानी फ्रॉम जीरो ऑनवर्ड्स,
नंबर है तो पॉलिनोमियल बोलोगे, नहीं तो नहीं, जीरो या इट इज ए जीरो पॉलिनोमियल, अगेन इट इज ए पॉलिनोमियल। अब बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताना है। देखिए ये है लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज डिग्री वन, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज डिग्री थ्री, ये है क्वाड्रेट, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज इट हैज डिग्री थ्री। ओके बच्चों, ये जो है ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री इज टू, ये भी कर दीजिएगा। अब एक ही क्वेश्चन लिख के लिखना है बच्चों, इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, इसका नीचे लिख के लिखना है इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन लिख के नीचे लिखना इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन लिख के नीचे लिखना इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पॉलिनोमियल, अब देखिए बच्चों यहाँ पे डिग्री टू है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये डिग्री वन है लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री टू है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे वन बाई एक्स को आप ऊपर लेके जाओगे एक्स को और माइनस वन, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब बच्चों जिसमें दो टर्म है। ओके यहाँ पे देखिए इट इज ए ट्राइनोमियल तीन टर्म है, इट इज ए बाइनोमियल दो टर्म है, इट इज ए मोनोमियल तीन टर्म है, इट इज ए ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों इसमें तीन टर्म है। ओके नेक्स्ट इज व्हाट, इट इज नॉट ए ट्राइनोमियल बिकॉज बच्चों यहाँ पे क्या है ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज रूट थ्री इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, ओके रूट थ्री इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, रूट थ्री मतलब इट्स ए कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बच्चों, करेक्ट बिकॉज रूट थ्री इज ए कॉन्स्टेंट एंड फॉर कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री इज जीरो, इज इट क्लियर, सो डिग्री इज जीरो। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड बच्चों, ये आएगा नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आप निकाल सकते हो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालना है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ओके थ्री वहां चला जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू। नेक्स्ट बच्चों यहां भी आपको जीरो ही निकालना है, देखिए यहां पे आपको जीरोस निकालना है, हो जाएगा फाइंड द जीरोस, जीरोस ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ओके फिलहाल ये क्वेश्चन को छोड़ दीजिए बच्चों, कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है 13 छोड़ दीजिए। नेक्स्ट इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फोर, देन पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स क्या है आपको निकालना है, ठीक है इसको कैसे करेंगे देखिए, सो ध्यान से देखिए बच्चों, बड़ा आसान क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। तो देखिए पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इज एक्स प्लस फोर, आपको निकालना है पी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ माइनस एक्स, दिस यू हैव टू फाइंड, आई एम पुटिंग इक्वल साइन। अब ध्यान से देखिए पी ऑफ एक्स बोले तो सेम लिख दूंगा मैं, आई विल राइट एक्स प्लस फोर, पी ऑफ माइनस एक्स मतलब बच्चों आपको एक्स का जगह पे माइनस एक्स लिखना है, तो ये एक्स का जगह पे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस फोर, याद रखिए। देखिए पी ऑफ टू मतलब क्या है बताइए, पी ऑफ टू मतलब एक्स की जगह पे टू पुट करना है, पी ऑफ थ्री मतलब क्या है बच्चों एक्स का जगह पे थ्री पुट करना है, पी ऑफ माइनस वाई मतलब क्या है बच्चों एक्स का जगह पे माइनस वाई पुट करना है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज फोर प्लस फोर यू विल बी गेटिंग एट, सो दिस इज द आंसर, इज इट क्लियर। सो नेक्स्ट बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन है बच्चों, पी ऑफ एक्स दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स प्लस वन, देन पी ऑफ टू रूट टू आपको निकालना है, तो एक्स के जगह पे बच्चों टू रूट टू पुट कर दीजिए, यहां भी टू रूट टू होल स्क्वायर डाल दीजिए बच्चों, टू रूट टू होल स्क्वायर, यानी आपको ऐसा लिखना होगा, देखिए पी ऑफ एक्स दिया है आपको, तो व्हाट इज पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन, ठीक है बच्चों आपको निकालना है पी ऑफ टू रूट टू, क्या निकालना है पी ऑफ टू रूट टू, इसका क्या मतलब है एक्स का जगह पे आपको टू रूट टू पुट करना है, तो यहां पे लिख दूंगा मैं टू रूट टू
एंड में डाल दूंगा होल स्क्वायर माइनस टू रूट टू इंटू टू रूट टू, फिर लिखूंगा प्लस वन। देखिए होल स्क्वायर ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डालिए, ठीक है बच्चों, तब जाके ये जो स्क्वायर है ये दोनों नंबर को मिलेगा। आप ब्रैकेट नहीं डालोगे तो ये जो स्क्वायर है केवल रूट टू को मिलेगा, टू को नहीं मिलेगा। अब बताइए टू का स्क्वायर क्या बना, फोर, रूट टू का स्क्वायर क्या बना, टू, तो इंटू टू माइनस, यहां देखिए बच्चों टू टू सर क्या बना फोर, इंटू रूट टू क्या बना टू प्लस वन, फोर टू सर एट माइनस एट प्लस वन, कैंसिल बच्चों आंसर आ जाएगा वन। तो इस तरह से को करना है। देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है, जब भी मैं बोलता हूँ पी ऑफ टू रूट टू तो ब्रेन में ये लगा लीजिए कि x के जगह पे आपको टू रूट टू लिखना है, x के जगह पे आपको टू रूट टू लिखना है, तो ये आ जाएगा टू रूट टू होल स्क्वायर माइनस टू रूट टू इंटू टू रूट टू प्लस वन, दैट्स ऑल। क्लियर है बच्चों, बस यही है और क्या है, यही नहीं भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चों आपको जीरोस निकालना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके, आपको मालूम है ओके, आपको लिखना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग जीरोस पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, ओके, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैं करके दिखा दो एक बार, चलो देख लीजिए बच्चों। देखिए जीरोस निकालने का तरीका क्या है, देख लीजिए बच्चों हाउ, तो मैं क्या सिखाने वाला हूं, हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। तो पहला स्टेप टैंटन आपको लिखना पड़ेगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। दूसरा स्टेप पी ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। उसके बाद बच्चों एक्स स्क्वायर करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो यह आ जाएगा प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, टेंटेड है एक्स में लूंगा कॉमन, अब अंदर आ जाएगा एक्स प्लस थ्री, जस्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है बच्चों यहां पे, माइनस टू कॉमन, ये अंदर आ जाएगा एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, टेंटेड है, अब मैं कॉमन ले लूंगा एक्स प्लस थ्री, अंदर आ जाएगा बच्चों एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। नाउ ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो लिखना है या एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो लिखना है, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री लिखना है, एक्स इक्वल टू टू लिखना है, टेंटेड एंड लास्ट में बस यही लिखिए माइनस थ्री एंड टू आर जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, बस इतना ही करना है बच्चों और कुछ नहीं करना है, सिंपल है ना भाई। तो जहां भी आपको जीरोस निकालने बोले इस तरह से करिए, अगर वो सिंपल लीनियर इक्वेशन है बच्चों क्वाड्रेटिक नहीं है, जैसे मान लीजिए टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो मिल रहा है, तो यहां तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आप लिखोगे टू एक्स इक्वल टू माइनस थ्री एक्स इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, बस यही है जीरो बच्चों, यही है जीरो, दैट्स ऑल, इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बड़े प्यार से। अब बच्चों ये भी है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हो जाएगा आराम से हो जाएगा। 18th क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस थ्री इक्वल टू दिस फाइंड के। बच्चों देखिए क्या करना है, आप इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करिए, करेंगे ना एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री, ठीक है बच्चों, आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स मिलेगा बच्चों, ओके क्या मिलेगा आपको, देख लीजिए। तो बच्चों देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स
माइनस थ्री इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ओके बच्चों, उसके बाद ये आ जाएगा दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस थ्री। बच्चों ये आ जाएगा माइनस थ्री। अब देखिए यहां पे एक्स के सामने क्या है के, यहां पे एक्स के सामने क्या है माइनस टू, इसका मतलब आपको लिख देना है के इक्वल टू माइनस टू। ठीक है बच्चों, तो यानी एक्स का जो कोफिशियंट है वो के है, एक्स का जो कोफिशियंट है वो माइनस टू है, तो के आगे माइनस टू। बहुत सिंपल है बच्चों, तो इस तरह से आप इक्वेट करके वैल्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नन्ना मुन्ना सा। देखिए के एक्स स्क्वायर प्लस फोर आ जाए और यहां पे आ जाता है टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट के है या एक्स स्क्वायर का टू है, तो आप लिख देना के इक्वल टू टू। यहां इसका कोफिशियंट, इसका कोफिशियंट सेम है। अगर बच्चों कहीं पे ऐसा आ रहा है टू एक्स स्क्वायर माइनस के टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, अब क्या करेंगे बताइए, यहां पे कांस्टेंट है माइनस के साइन के साथ लेना है बच्चों, और यहां पे कांस्टेंट है प्लस फोर, तो मैं यहां लिख दूंगा प्लस फोर, तो यू गॉट के इक्वल टू, अब ये माइनस वन चला जाएगा, यू विल बी गेटिंग माइनस फोर, सो के इज इक्वल टू माइनस फोर। तो ऐसे करके बच्चों आपको एल एच एस का को एफिशियंट आर एच एस का को एफिशियंट को इक्वेट करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड के। ओके, तो बच्चों फैक्टर थ्योरम याद है, तो जब भी फैक्टर होगा रिमाइंडर विल बी जीरो, है ना। तो यहां पे रिमाइंडर क्या है बच्चों, यहां पे रिमाइंडर है पी ऑफ माइनस वन, बिकॉज एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो रिमाइंडर है पी ऑफ माइनस वन। तो आप लिखना बच्चों, ये तो आपको मालूम ही है, यू हैव टू राइट लाइक दिस, पी ऑफ माइनस वन इक्वल टू जीरो, है ना बच्चों। आप माइनस वन आप पुट करोगे तो इक्वेशन बन जाएगा टू माइनस वन स्क्वायर प्लस के इंटू माइनस वन इक्वल टू जीरो। माइनस वन का स्क्वायर क्या है बच्चों, वन, वन इंटू टू क्या है बच्चों टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के इक्वल टू जीरो। अब टू को आर एच एस में लेके जाइए बच्चों, आपको क्या मिलेगा, माइनस के इक्वल टू माइनस टू, माइनस माइनस कैंसल, तो आंसर इज के इक्वल टू टू। तो इस तरह से बच्चों जब भी फैक्टर बोलता है, ये क्या है बच्चों एज पर द रिमाइंडर थियरम, सो दिस इज वॉट रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इक्वल टू जीरो करना है आपको, दैट्स ऑल, सिंपल है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए क्या है, ये है द कोएफिशिएंट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल दिस इज दिस। अब बताइए कोएफिशिएंट आपको निकालना है किसका, हाईएस्ट पावर का, तो यहां पे हाईएस्ट पावर कौन सा है बच्चों, एक्स टू द पावर ऑफ फाइव है, सो द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ फाइव इज व्हाट, माइनस वन, तो आंसर इज माइनस वन। ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, पहले कोएफिशिएंट निकालना है किसका, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का, तो यहां पे हाईएस्ट पावर किसके पास है, इसके पास है, तो इसको कोएफिशिएंट क्या है, माइनस वन है, तो आंसर इज माइनस वन। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन एक्स पावर 31 प्लस 31 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन फाइंड द रिमाइंडर। आपको मालूम है रिमाइंडर कैसे निकालना है, इस पर रिमाइंडर थ्योरम, दिस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स आ जाएगा माइनस वन, तो रिमाइंडर इज पी ऑफ माइनस वन, इससे पहले इसका नाम दे दीजिएगा p ऑफ x, सिंपल है ना बच्चों। ओके, सो नेक्स्ट इज देखिए p ऑफ x इक्वल टू दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस वन, फाइंड द रिमाइंडर। बड़ा आसान है बच्चों, देखिए रिमाइंडर 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 बार बार निकालना है, तो आपको ये जो छोटा वाला दिया है x माइनस, इसको जीरो से इक्वेट करिए, तो क्या होगा, x माइनस a इक्वल टू जीरो, x क्या मिल गया, ए मिल गया ना, ए आप तो रिमाइंडर को क्या बोलेंगे, रिमाइंडर इज पी ऑफ ए, ये है रिमाइंडर, तो आपको एक्स के जगह पे ए को डालना है और सॉल्व करना है, रिमाइंडर निकल जाएगा।
तो मैं x को जगह पे a को डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, दोनों करते हैं अगल बगल लिख के। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें p ऑफ x है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मैं x की जगह पे a पुट करूंगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा बताइए। सो p ऑफ a इक्वल टू दिस बिकम्स a क्यूब, x की जगह पे a पुट करना है, माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस a बच्चों, ठीक है। सो दिस इज a क्यूब, आप ध्यान से देखिए बेस आर सेम, a का कोफिशियंट एक्सपोनेंट 1 है, यहां पे एक एक्सपोनेंट 2 है, ये दोनों एक्सपोनेंट को मैं ऐड करूंगा तो माइनस a क्यूब आ जाएगा प्लस a, a क्यूब कैंसिल बच्चों, तो आंसर आ जाएगा a। सो p ऑफ a इक्वल टू a, तो ये जो p ऑफ a है बच्चों ये क्या है, ये है रिमाइंडर, क्या है बच्चों रिमाइंडर, सिंपल है ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए एक बार समझ जाइए, बार बार यूज करिए, एक बार समझ जाइए, एक बार नहीं समझेंगे वो डाउट बार बार सामने आते रहेगा। नेक्स्ट चीज बच्चों देखिए, p ऑफ x दिया है आपको, डिवाइडेड बाय x प्लस a से दिया है, रिमाइंडर निकालना है तो x प्लस a इक्वल टू जीरो करेंगे, x इक्वल टू माइनस a आएगा बच्चों, माइनस a आया, देखिए x प्लस a इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू माइनस a, तो व्हाट इज रिमाइंडर, बोलिए बच्चों व्हाट इज रिमाइंडर, इक्वल टू p ऑफ माइनस a, आ गया ना p ऑफ माइनस a। अब x के जगह पे a को डालना है, देखिए ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन, तो यहां पे x के जगह पे माइनस a पुट करेंगे तो माइनस a पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस a होल क्यूब करना है, प्लस a इंटू माइनस a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस a प्लस a, देखिए कैसे सॉल्व करना है, तो माइनस a होल क्यूब, ठीक है बच्चों, प्लस a इंटू माइनस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस a प्लस a, ये आ जाएगा बच्चों माइनस a क्यूब प्लस a इंटू a स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस a माइनस आ जाएगा बच्चों, बिकॉज ये माइनस a था, ये आ जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो पूरा काट के यहां माइनस लिख दीजिए। नेक्स्ट इज, तो ये माइनस a क्यूब ही रहेगा, ठीक है बच्चों, देखिए क्यूब मैंने करने के बाद ये जो माइनस है ना वो जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं, स्क्वायर होता तो माइनस चला जाता, क्यूब रहने से माइनस रहता है, ओके याद रखिए। तो माइनस ए क्यूब प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इज अगेन ए क्यूब, दिस इज माइनस टू ए प्लस ए, माइनस ए क्यूब और ए क्यूब कैंसिल हो गया बच्चों, और ये बन गया माइनस टू ए प्लस ए, इसको करेंगे माइनस ए आएगा, सो आंसर इज माइनस ए। तो व्हाट इज माइनस ए, माइनस ए इज रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना बड़ा आसान है बच्चों, कोई हार्ड रिपेयर नहीं है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस द रिमाइंडर इज, निकल जाएगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय रिमाइंडर इज, निकल जाएगा पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रिमाइंडर इज। तो बच्चों इसको आप अगर इक्वेट करोगे जीरो से, टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, वन वहां चला जाएगा तो टू एक्स इक्वल टू वन आ जाएगा, फिर x नीचे, टू नीचे चला जाएगा तो x इक्वल टू हाफ। तो बच्चों यहां पे x के जगह पे हाफ पुट करना है, x के जगह पे हाफ हाफ पुट करना है, ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया, ये करके दिखाऊं क्या x के जगह पे हाफ डाल के, चलो मैं डालता हूं देखिए। तो अगर आपको आता है फॉरवर्ड करके आगे निकल जाइए, जिसको नहीं आता है देखिए, तो मैं निकाल रहा हूं रिमाइंडर, सो दिस इज रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ हाफ। हाफ क्यों आया बच्चों, क्योंकि ये था डिवाइजर, डिवाइजर को जीरो से इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा टू एक्स इक्वल टू वन, आपको मिलेगा एक्स इक्वल टू हाफ, टन टन, तो पी ऑफ हाफ, आप एक्स के जगह पे हाफ पुट करेंगे, ठीक है, तो फोर इंटू एक्स था यहां पे, मैं लिख दूंगा हाफ, मतलब एक्स जहां पे वहां हाफ लिखना है, एक्स जहां पे वहां पे हाफ लिखना है, क्यू माइनस 12 या x है बच्चों, तो हाफ का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 11 इंटू हाफ माइनस 5।
बच्चों एक गलती आप कर सकते हो, ये टू से ये फोर को कैंसिल कर सकते हो, कृपया करके मत करना कैंसिल, नहीं तो सम हो जाएगा गलत। तो पहले एक्सपेंड कर लीजिए, 4 × 1³ = 1, 2³ = 8, −12 × 1² = 1, 2² = 4, +11 = 11, नीचे आ जाएगा 2 −5। अभी आप कैंसिल कर सकते हो, ये पूरा एक फैमिली कैंसिल होगा, पूरा एक फैमिली कैंसिल होगा, ये बेचारा सिंगल, ये बेचारा सिंगल, 4 × 2 = 8, और बच्चों 4 × 3 = 12, तो फिल्टर होके नीचे क्या मिलेगा बच्चों, 1/2 −3 को मैं नीचे 1 लिख देता हूँ, 11/2 −5 नीचे लिख देता हूँ 1। बच्चों मैं सबको एलसीएम टालूंगा तो ये आ जाएगा 2 ऊपर 1 −6 +11 −10। ठीक है बच्चों, माइनस माइनस एक साथ, प्लस प्लस एक साथ, 1 + 11 दैट इज 12, दिस इज −16/2, आगे आएगा −4/2, कट के −2, रिमाइंडर इज −2। आप देखिए बच्चों नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम में बच्चों देखिए क्या दिया है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, आप आधा आधा करके देखिएगा, मैं एक ही बार बना देता हूं सब। देखिए बच्चों, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर है बोला है बच्चों, तो रिमाइंडर क्या होगा, ओके आपको ये चेक करना है किसका ये फैक्टर है, राइट तो ऐसा करिए बच्चों, देखिए अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो, बार बार मैं बोल रहा हूं, तो ये चारों एक्सप्रेशन का बच्चों रिमाइंडर निकालिए, जिसमें रिमाइंडर जीरो आता है वो उसका फैक्टर है, जिसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आता है वो उसका फैक्टर नहीं है। आया समझ में भाई, फैक्टर मतलब ये कि रिमाइंडर जीरो, आपको यहाँ पे रिमाइंडर चारों एक्सप्रेशन का निकालना होगा। x प्लस 1 = 0, x −1, इसका नाम दे दीजिए पी ऑफ एक्स, तो वट इज रिमाइंडर पी ऑफ −1, इसका नाम भी दे दीजिए पी ऑफ एक्स, वट इज रिमाइंडर पी ऑफ −1, तो इसका नाम भी दे दीजिए पी ऑफ एक्स, वट इज रिमाइंडर पी ऑफ −1, इसका भी नाम दे दीजिए पी ऑफ एक्स, वट इज रिमाइंडर पी ऑफ −1, जहां पे जीरो आता है वो फैक्टर होगा। बच्चों ये बड़ा आसान है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा आसान है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्वेश्चन नंबर 31 फैक्टर बोला है तो रिमाइंडर जीरो होगा, तो x प्लस 5 = 0, x −5, हियर पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो वट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इज पी ऑफ −5 = 0 लिखना बच्चों, क्योंकि फैक्टर बोल दिया है। ओके ये करके दिखाऊं मैं, तो आपको लिखना है, देखिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा पी ऑफ −5 = 0, ऐसा क्यों किया, क्योंकि वेन एवर फैक्टर इज गिवन आई कैन से दैट रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, फैक्टर जब भी होगा रिमाइंडर जीरो, प्रैक्टिकली सोचिए रट्टा मत मारिए, एंड रिमाइंडर यू नो इट इज पी ऑफ −5 = 0। अब एक्स के जगह पे −5 पुट करना है बच्चों, तो एक्स के जगह पे −5 पुट करोगे तो ये बन जाएगा −5³ −20 × −5 +5K = 0। अब देखिए ये है −5³ −20 × −5 +5K, अब ये आ जाएगा बच्चों −125, ये माइनस माइनस प्लस होके बच्चों ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 5K = 0, ये मिलके बच्चों −25, ये वहां जाएगा तो +25, तो आपको मिलेगा 5K = 25, तो बच्चों k आ जाएगा 25/5 = 25, तो यू विल बी गेटिंग K = 5। समझ में आएंगे बच्चों, ये स्टंट याद रखिए, जब भी बोलेगा फलाना फलाना का फैक्टर है, फैक्टर बोलते सब ब्रेन में आ जाना चाहिए रिमाइंडर इक्वल टू जीरो, ये रिमाइंडर है इक्वल टू जीरो, वैल्यू पुट करिए आंसर आते रहेगा, सिंपल है ना बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया है बच्चों, इसको फैक्टराइज कर देना बच्चों पी ऑफ एक्स से, ये
फैक्टराइज कैसे करेंगे बताइए। ये पी ऑफ एक्स मान लीजिए, इसको पहले एक्स के जगह पे वन पुट करेंगे, फिर माइनस वन, फिर टू, फिर माइनस टू, किसी एक केस में आपको जीरो मिल जाएगा। फिर आपको लॉन्ग डिवीजन से दूसरा फैक्टर निकालना है जो क्वोशेंट में रहेगा बच्चों, ठीक है। ये सब मैंने कराया है, वीडियो नंबर मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो है लगता है। नाउ आप क्वेश्चन नंबर 33 छोड़ दीजिए, 34 कर लेते हैं। आपको मालूम है कि जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है, मैंने कराया था याद रखिए, तो दिस इज आंसर 3abc। लेकिन उसके लिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो होना जरूरी है। उसके बाद बच्चों x प्लस टू एंड x माइनस वन आर द फैक्टर ऑफ दिस, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए 35 को। 36 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये तो सिंपल फॉर्मूला में आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे ए है 369 और बी है 368 हो जाएगा। ये भी आसान है बच्चों, इसको आप लिख देना 100 प्लस 4 या 100 माइनस 4 बच्चों, ये भी आसान है। 4a² प्लस बी स्क्वायर, ये 4 को यहाँ लिख दीजिए बच्चों, फिर 4ab प्लस 8a प्लस 4b आ जाएगा। तो यहाँ लगेगा फॉर्मूला a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, लगा देना आप लोग। उसके बाद बच्चों द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो बच्चों इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए पहले a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला से, उसके बाद में x के सामने जो कोफिशियंट आ रहा है वो लिख देना है, यहाँ पे सिंपल है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 छोड़ दीजिए, 41 भी छोड़ दीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 40, ड्रॉप कर दीजिए, जब मैं पढ़ाऊंगा क्लास में तो कराऊंगा, 41 भी छोड़ दीजिए, ओके। ये का क्वेश्चन कर सकते हो, दिस इज डिविजिबल बाय दिस देन वैल्यू ऑफ k, डिविजिबल मतलब बच्चों रिमाइंडर जीरो आएगा, तो x प्लस वन इक्वल टू जीरो करके x निकाल लीजिए, फिर ये एक्सप्रेशन का रिमाइंडर इक्वल टू जीरो कर दीजिए बच्चों, ठीक है, फिर वहां से आपको आंसर k निकल जाएगा। देखिए डिविजिबल मतलब भी क्या है, रिमाइंडर जीरो आएगा, और रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, x प्लस वन इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू माइनस वन करके, रिमाइंडर इज p ऑफ माइनस वन, ठीक है। तो p ऑफ माइनस वन को जीरो से इक्वेट कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k, ओके बच्चों। इन्हें पॉलिनोमियल इन x, इंडिसेस ऑफ एक्स मस्ट बी, इंडिसेस मतलब बच्चों एक्सपोनेंट, ठीक है। तो एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, इंटीजर नहीं, इंटीजर में दोनों आता है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम वन, ओके, एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, रियल नंबर नहीं, सो दिस इज द आंसर, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलिए या तो होल नंबर बोलिए। ये भी बच्चों सेम है, दिस इज द पी ऑफ एक्स, डिविजिबल बोला है, डिविजिबल मतलब रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस टू, रिमाइंडर है पी ऑफ माइनस टू को जीरो से इक्वेट कर दीजिए। नेक्स्ट इज 207 इंटू 193 बच्चों, इसको कैसे लिखोगे बताइए, इसको लिखेंगे 200 प्लस 7, 200 माइनस 7, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 200 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। यहाँ बच्चों कैसे लिखेंगे, यहाँ तो बड़ा आसान है, 300 प्लस 5 लिखेंगे और 300 प्लस 8 लिखेंगे, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बड़ा सिंपल है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बोला है, आप यहाँ एक्स कॉमन ले लीजिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा आपके लिए, स्प्लिटिंग में वैल्यू मत करना, ठीक है ना। देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो, अब लिखिए 9, ओके, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 3 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू 3, ये है सिंपल है, स्प्लिटिंग वैलिडेटर नहीं करना है। अब देखिए नेक्स्ट सम में 3x² - 1, क्वेश्चन नंबर 48, 3x² - 1, अब यहां देखिए कैसे करेंगे, तो 3x² - 1 इक्वल टू जीरो आप लिखोगे, 3x² = 1 आप लिखोगे, x² = 1/3, ध्यान से देखिए कमॉन, ये स्क्वायर को बच्चों जब आप आरएचएस में शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा रूट, बड़ा रूट डालिए 1/3, सामने भूलना मत प्लस माइनस डालने के लिए, तो एक्स इक्वल टू प्लस में रूट को बांट दीजिए बच्चों, √1/√3, फिर एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस, √1 1 है बच्चों, ये आ जाएगा √3, सो एक्स का दो वैल्यू बन जाएगा बच्चों, यहां से एक वैल्यू है, सो एक जीरो मिल जाएगा आपको,
वन बाई रूट थ्री, दूसरा मिल जाएगा माइनस वन बाई रूट थ्री, तो यह आएगा वन बाई रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री, याद रखेंगे बच्चों। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं करना है। दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तभी करना है जब एक्स स्क्वायर टर्म हो, एक्स टर्म हो और कॉन्स्टेंट हो। यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं है और यहाँ पे एक्स टर्म नहीं है। सिंपल बच्चों, टैन टैन टैन। तो इससे हमने 48 सम को पूरा कर लिया है। तो बच्चों आज दिन भर बैठ के टाइम वेस्ट बिना किए ये सारे सम को बढ़िया से कर लीजिए। अगर आप ये सारा सम कर ले तो आसानी के साथ, तो समझो ये चैप्टर आपका आराम से हो जाता है। इज इट क्लियर बच्चों? डोंट वेस्ट योर टाइम। उसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए, ये आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट आपके आर एस अग्रवाल में दिया रहेगा, ठीक है? तो आप जो है मैं बताऊंगा कौन कौन सा करना है, ठीक है बच्चों? तो देख लीजिए, मैं यहां से बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर वन करना है, टिक कर देता हूं, ये करके मुझे जमा कर दीजिए मंडे तक। वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, सिक्स, सेवन, एट, ला 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 ला, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, एक्सपेंड करिए वहां से एक्स का कोफिशियंट निकल जाएगा। थर्टीन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बच्चों, डिग्री जीरो। फोर्टीन, बस इतना क्वेश्चन करके बच्चों मुझे आप कल संडे है, संडे इवनिंग तक मुझे ये सेंड कर दीजिए और आज शाम तक मुझे बच्चों ये वाला सेंड कर दीजिए, यहां तक 48 तक आज शाम को, ठीक है बच्चों? यहां तक सेंड कर दीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। होप आपको समझ में आ गया होगा।